इतना बेरोजगार हो चुके हैं कौन, लालू जी के लाल। अब उनको कोई काम नहीं, उनको भय सता रहा है कि मेरा विधायक कहीं टूट नहीं जाए। हमारे एनडीए में कोई टूट नहीं है, रीजनल समस्या है जो अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग है, लेकिन बिहार के अंदर हम लोग एक टूट एक साथ हैं, तो है तो है। उन लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, तुम लोग स्थिर रहना, भागना मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ शिवम। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के विधायकों को बीजेपी ने अपने पाले में ला दिया, इसके बाद जो बिहार की सियासत है एक बार फिर से गर्मा गई है। आपको बता दें कि जेडीयू की राजकारिणी की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया कि नैतिकता के आधार पर उन्होंने जेडीयू के राष्ट्रीय पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को बना दिया गया है और राजद लगातार यह दावा कर रही है कि बिहार में जो जेडीयू और बीजेपी की सरकार है वो ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी। और राजद के वरिष्ठ नेता श्याम रजक ने भी यह साफ तौर पर कह दिया है कि 14 जनवरी से पहले जेडीयू के 17 विधायक राजद के पाले में आ जाएंगे। इसको लेकर जब हमने बिहार सरकार के मंत्री राम सूरत राय से बात की तो उनका क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुने। इस तरह का बयान कर हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं अपने मीडिया के साथियों को, आरजेडी बेरोजगार है, उसके पास कोई रोजगार नहीं है। उसको बार बार भय सता रहा है कि हमारा विधायक कहीं हमसे भी छोड़ कर न भाग जाए, इसके लिए वो प्रलोभन दे रहा है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, फलाने लोग आ रहे हैं, चिलाने लोग आ रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ कि हमारे एनडीए में कोई टूट नहीं है, हमारे एनडीए के नेतृत्वकर्ता माननीय नीतीश कुमार जी हैं, हम लोग सरकार में हैं, सरकार हमारी चलेगी। क्षेत्रीय समस्याएं रहती है, रीजनल समस्या है जो अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग है, लेकिन बिहार के अंदर हम लोग एक टूट एक साथ हैं, तो है तो है। राजद क्यों कर रहे हैं, राजद बार बार? अच्छा, आप पॉलिटिकल लोग क्या करेगा, जिसके पास अभी राहुल गांधी के पास कोई काम नहीं है तो बता दिया कि किसान बिल के खिलाफ देश में धरना प्रदर्शन करने लगा, खुद आज कुछ दिन पहले खुद क्या बोल रहे थे जो टीवी के माध्यम से देख रहे हैं आप लोग। तो उसी तरह यहाँ बेरोजगार हो चुके हैं कौन, लालू जी के लाल। अब उनको कोई काम नहीं, उनको भय सता रहा है कि मेरा विधायक कहीं टूट नहीं जाए, इसलिए उन लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, तुम लोग स्थिर रहना, भागना मत। मगर सर, वशिष्ठ जी नाखुश है सर, वो उनका बयान इस तरह से, उनका कहना कि सही नहीं है जो बीजेपी कहा, बिहार के लिए उन्होंने कहा है क्या? कभी नहीं बिहार के लिए बोला उन्होंने, वो बाहर की बातें मैं नहीं जानता, मैं नहीं करता, हमारा नेतृत्वकर्ता नीतीश कुमार जी हैं, बिहार में हम लोग एक साथ हैं, बिहार पर कोई समस्या नहीं है। तो आपने सुना साफ तौर पर बिहार सरकार के मंत्री राम सूरत राय का कहना है कि जो लोग खुद बेरोजगार हैं वो अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अपने विधायकों को मनोबल बढ़ाने के लिए ये सब बयान दे रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से राजद या विपक्षी जितनी भी पार्टियां यह लगातार दावा कर रही है कि बिहार में जेडीयू और बीजेपी की सरकार नहीं चल पाएगी, यह तो अब आने वाले दिन में ही पता चल पाएगा कि बिहार में सियासत कौन सा नया मोड़ लेती है। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।